नमस्कार दोस्तों, आज मैं प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 8 हल करूंगा। यहाँ पर आपको दिया है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, जिसकी ऊंचाई 8 है और व्यास 2 है, और उसका जो गोलाकार भाग है बर्तन का वो 8.5 सेंटीमीटर का है, और इसमें भरे जाने वाला पानी की मात्रा का माप एक बच्चे ने ज्ञात किया और उसका आयतन उसने 345 सेंटीमीटर की क्यूब निकाला। तो जांच कीजिए कि उत्तर सही है और आपको पाई का मान 3.14 लेकर चलना होगा। तो मैंने पहले से ही एक आकृति बनाई है, ये उसकी गर्दन बेलन के आकार की है, जिसका व्यास तो 2 है लेकिन त्रिज्या क्या होगी, 1 सेंटीमीटर होगी, और हाइट उसकी 8 सेंटीमीटर है, और ये जो गोला की आकृति का जो भाग है उसका व्यास 8.5 है और त्रिज्या होगी 8.5 भाग में 2। यहाँ पर मैंने संपूर्ण जानकारी लिख दी है। तो अब इस बर्तन का आयतन पता लगाना है। बर्तन का आयतन तो आपको पता है कि ऊपर क्या है, बेलन। तो बेलन का आयतन प्लस नीचे गोला है तो गोले का आयतन, और इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, का आयतन। तो बेलन का आयतन आपके पास होगा पाई आर स्क्वेयर एच प्लस, और गोले का आयतन आपके पास होगा 4 भाग में 3 पाई आर की क्यूब, ठीक है। अब आपको पता है इसमें कॉमन सिर्फ पाई ही है, क्योंकि आर और आर का मान अलग अलग है, तो पाई कॉमन निकाल कर यहाँ पर आर स्क्वेयर एच प्लस 4 भाग में 3 आर की क्यूब हम रखेंगे। तो पाई का मान 3.14 है, ब्रैकेट आर किसमें, बेलन के अंदर आर क्या है आपके पास, 1, तो 1 गुणा 1, और एच का मान आपके पास है 8 प्लस 4 भाग में 3 गुणा आर की क्यूब, तो गोले के अंदर आर आपके पास है 8.5 भाग में 2 गुणा 8.5 भाग में 2 गुणा 8.5 भाग में 2, ठीक है। तो 3.14 ब्रैकेट 8 एकम 8 प्लस 2 दूनी 4 ही कटेगा। अब नीचे आपके पास है 3 दूनी 6 और 8.5 और 8.5 और 8.5 की इन तीनों की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर एक बार पॉइंट को छोड़ कर चलते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट को छोड़ा तो आपके पास 85 मिलेगा, 5 5 25 ऐसे लगी 2 8 5 40 2 42, 8 5 40 ऐसे लगी 4 8 2 64 और 4 68, ठीक है। 5 2 यहां पर भी 2 और एसएल का 7, फिर वापसी इसकी 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25 ऐसे लगी 2 5 2 10 तो 12 ऐसे लगी 1 5 2 10 11 ऐसे लगी 1, और यहां पर आएगा 36, फिर 8 5 40 ऐसे लगी 4 8 2 16 4 20 ऐसे लगी 2 8 2 16 और 2 18 ऐसे लगी 1 8 7 56 1 70। तो यहाँ पर 5 2 1 4 और ऐसे लगी 1 तो 10 11 ऐसे लगी 1, यहाँ पर 6, ठीक है। अब पॉइंट के पीछे 3 डिजिट है, ठीक है, यहाँ पर भी 1 1 1, 3 डिजिट को छोड़कर हम यहाँ पर पॉइंट रख देंगे, ठीक है। तो गुणा करने पर आपको मिला है 614.125। अब यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 3.14 तो वहीं पर रहेगा, और 6 एकम 6 एलसीएम आएगा, 8 6 48 प्लस में 614.125, ठीक है। अब 3.14 गुणा भाग में नीचे 6 रहेगा। अब पॉइंट के पीछे 125 तो वैसे का वैसा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो 8 4 12 ऐसे लगी 1 4 और 1 5 और 1 6 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब इन दोनों को आपको गुणा करनी है, तो यहाँ पर देखें 2 से डिवाइड करने पर 3 मिला, ये दोनों 2 से डिवाइड होगा तो 1.57 × 14, ठीक है। यानी अब 1.57 की गुणा आपको 662.125 यानी 1.25 से कर 3 से इसको भाग देना है, ठीक है। तो जब आप 1.57 की गुणा 662.125 से करेंगे तो
तब आपको 1339.53 मिलेगा, ठीक है। और जब उसको आपने 3 से भाग करने पर आपको 346.51 सेंटीमीटर की क्यूब मिलेगा, ठीक है। तो बच्चे का जो आंसर था, बच्चे का आयतन यानी बच्चे ने जो आयतन निकाला था, आयतन निकाला वो क्या था, 300 यहाँ पर था 345 सेंटीमीटर की क्यूब, ठीक है। जो हमने पता लगाया आयतन, वो आयतन आया था 346.51 सेंटीमीटर की क्यूब, तो उस बच्चे का आयतन गलत था, तो इसका फाइनल आंसर 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।